कैसे लोगे? फेंक दे, कैच कर लोगे, गिराना मत। तुमसे थोड़ा बड़ा होगा तुम्हारे लिए, पर ठीक है, काम चल जाएगा। पीछे जा, पीछे जा। वो दीदी जब उस दिन इतना बोर कर रही थी ना, तो मैंने कुछ शेड्स ऑर्डर कर दिए थे। कब ये दी? माल है, माल है। डिसअपॉइंट बस ना हूं मैं, बस। हाय बाय। बहुत डर दिए। आशीष जब गुजरते हैं तो बोलते हैं कि हमको भी थोड़ा कैमरा में ले लो, पूरा फुल फैमिली के साथ। तो इसमें कितने सारे सनग्लासेस आए हैं मुझे पता नहीं है। मुझे रफली 5 या 6 मैंने ऑर्डर किए थे जो मुझे अच्छे लगे। आप देखते हैं इसकी क्वालिटी का, चेक करते हैं कैसी। अगर अच्छी होगी तो आई रिकमेंड, नहीं हुई तो बहुत पैसे लगा दिए मैंने। लेकिन सनग्लासेस की ये बात है, एक बार खरीदो तो 2-2.5 साल आराम से चल जाते। एक बॉक्स, दो बॉक्स, कहाँ कहाँ ब्लॉग बनाना था, 3 बॉक्स। और उन्होंने बोला था कि आप अनबॉक्सिंग जब कीजिएगा तो वीडियो बना के रखिएगा, कि कुछ भी दिक्कत हो तो हम लोगों को एक्सचेंज या रिटर्न करने में दिक्कत ना हो। आई वेयर लैब्स, तो मेक श्योर कि अगर आप भी सनग्लासेस मंगाते हो वीडियो बना ले लो। अच्छा, हर एक बॉक्स में 2-2 शेड्स, 2-2-2, यानी कि 6। मुझे लग ही रहा था 6 मैंने मंगाए थे पहले अनबॉक्सिंग। कैमरा का एंगल यही रहेगा, सॉरी, धूप में टेस्ट भी कर लेंगे। बॉक्स तो सही है पर मैं बॉक्स में रख नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे सारे सनग्लासेस खराब हो जाते हैं, गिर विर के सब में स्क्रैचेस आ जाते। इस बार मैं बॉक्स में अच्छे से जतन करके रखूँ, अभी टेस्ट हो जाएगा। बेला बागान का बैल तो नहीं लग रहा, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है मुझे। ये ब्लू शेड मैंने एक मंगाया था, कि अपना जो H&M वाला ब्लू शेड था वो तो गिर गया था, तो क्वालिटी ठीक लग रही है मुझे, नॉट बैड। अब इसको बॉक्स में भी डालना पड़ेगा। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊंगा कि तभी क्या पड़ा है। वेट, बैकग्राउंड नॉइज होते रहेगा, प्लीज उसको इग्नोर करें। तो सेकेंड वन, सेम पैकेजिंग। सेकेंड वन कैसा लग रहा है? बढ़िया है। तुम पे सूट करता रे। ये पर्पल शेड में है। ऑब्वियसली अगर सी माइसल की मैं कैसे लग रहा हूँ तो आई कैनॉट कॉमेंट, लेकिन लेकिन सन से तो प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं अपने वॉच में अपने आप को देख सकता हूँ, मुझे व्लॉग में ये एडिटिंग करते पता चलेगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बाय द वे, दिस इज द सेकंड वन। ये पर्पल शेड था, वो था ब्लू शेड, अब नेक्स्ट। बाद में बताएंगे, अभी जाऊं रे। अरे बच्चे लोग, तुम लोग बात मत करो रे। अरे यार रिकॉर्ड हो जाता है, भाग। एक तो अपने ठे 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 ठे। हाँ, गाना दे दीजिएगा। दिस इज द थर्ड वन। हाँ, ये ब्लैक शेड में है, मच नीडेड। ब्लैक भी मेरा खराब हो गया था। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये भगवान अच्छा लगे। तुमने कमेंट सेक्शन में लो कि ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं। मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है, सन से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। मैं ऐसे नहीं देख सकता, लेकिन लेकिन ऐसे मैं देख सकता हूँ आराम से। और सबसे अच्छी बात ऐसे सनग्लासेस क्या क्या होती है कि ये चीप क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि कभी भी चीप क्वालिटी का सनग्लासेस या शेड नहीं लेना चाहिए, हमें असर होता है। ये यूवी फिल्टर कर देगा, पोलराइजर व सब कुछ है। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द लुक्स। बाय द वे, मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। सारे शेड्स में जमीन पर यहाँ पे नीचे रखा है, कि कहाँ पे अनबॉक्सिंग करोगे। फोर्थ वन, ये भले देखने में पैची पैची टाइप का लगे, लेकिन ये उसके जैसा नहीं। इसमें स्कल्स बने हुए थे ब्लैक वाले शेड में, ये मोर ब्लैक है, ये मोर व्हाइट। ओ सॉरी, ये सिल्वर वाला शेड, डोंट नो इफ यू कैन नोटिस, ये सिल्वर वाला शेड था जिसमें मैंने ब्लैक बता दिया। दिस वन इज ब्लैक। हाँ, डिफरेंस तो है, ये सिल्वर है, बैटमैन सिल्वर, एंड दिस वन इज ब्लैक। एनीवेज, ये ठक ठक सुन रहा हूँ, बिना आराम हो। 160 व्लॉग्स देखोगे ना, कभी कभी भी मैंने चश्मा वश्मा नहीं पहना, क्योंकि ये छोटे शहरों में क्या बात होती है ना, कि आप चश्मा पहनना लगता है कि बड़ा स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा है, या लड़का कूल बनने की कोशिश कर रहा है छोटे शहरों में। बड़े शहरों में तो पता होता है कि इस आंखों को बचाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन छोटे शहरों में ये है कैमोफ्लेज ऑरेंज शेड। हाउ इट लुक्स इधर से भी। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दीस शेड्स कपल ऑफ देम इज की ब्रांडिंग देख रहा हूँ। यहाँ आई वी एल लैब्स है, इधर आई वी एल लैब्स है, चलता, लेकिन यहाँ पे भी आई वी एल लैब्स। यहाँ ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, वो बोलते हैं कि ये धीरे धीरे इरेज हो जाता है, मिट जाता है, तो मिट जाए तो अच्छी बात। दिस इज द ऑरेंज वन, एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट वन। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, फिर से सेटअप कर दो। अरे लास्ट वन है, ये वापस मुझे मिल गया क्या? ये मैंने अनबॉक्स किया था, आई डोंट नो।
कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो रिटर्न हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द लास्ट वन। वैसे पहला जो था कुछ ऐसा ही था ना। नो, दिस इज द फर्स्ट वन, ये पहला और ये आखिरी है। ये नॉइज का माफ करो, दिस इज द लास्ट वन। सारे हैं ग्लासेस अपने, चल जाएंगे। फुटेज में देखे पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा। प्रीटी सैटिस्फाइड। प्राइसेस की ऐसी बात है कि अगर आप दो लेते हो तो 73% सेकंड वाले में ऑफ मिल जाता है, तो मैंने टोटल 6,500 रुपया इसमें उड़ा दिए, पर चल जाएंगे। अच्छा है, मतलब बाहर निकलने के लिए। हर ब्लॉग में ग्रीन वाले पहन के निकल जाता था, अच्छा ही लगता था। तो दिस लुक्स नाइस यार, ये सब ताम झाम। फिर पैक करके नीचे जाना पड़ेगा। 1:37 लेटर। सही मायनों में चश्मे की जरूरत इसको है। चश्मा चाहिए? रुको 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 रुको। कैसे लोगे? फेंक दे, कैच कर लोगे? गिराना मत। तुमसे थोड़ा बड़ा होगा तुम्हारे लिए, पर ठीक है, काम चल जाएगा। शेयर कर करके पहन लेना। तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, ठीक है? अब पहन के देखो। हाँ, अब जाके तुम लग रहे हो। कैसा लग रहा है धूप में? अब ठीक है ना? शेयर कर करके पहनना, बदल बदल के। ट्राई करो। हाँ, ये हाँ, आ दो, मजा आएगा काम करने में। लेट्स गो, बाय बाय। ये धूप में फोन रहा इतना देर तक, और इतनी प्रचंड मात्रा में धूप थी, ओवरहीट हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा है फोन, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। 20 मिनट इसको छोड़ा है तब जाके स्टार्ट हुआ है, ऐसी धूप है। अभी 1.5-2 घंटे तक एप्पल वालों से बात चली और उन्होंने बोला है कि ठीक है आपका हो जाएगा। जिस दिन मैंने परचेज किया था वो सबसे पहले अपडेट कर दिया गया है, पेमेंट का भी लिंक पे सेंड कर दिया है। और अच्छी बात उन्होंने ये बताया कि जो है आप अनलिमिटेड हार्डवेयर ले सकते हैं, कितना और भी डैमेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सीडेंटल डैमेज हो 4 से ज्यादा क्लियर हो सकते, जितना और आप डैमेज करिएगा कोई दिक्कत नहीं। 2500 ले आइएगा, पे कर दीजिए, आपका कवर हो जाएगा। तो पहली बार अगर 2900 करना पड़ा, लेकिन अब अगर 2-3 बार अगर डैमेज हो रहा है, क्योंकि जिम में मैं यूज कर रहा था ना, स्किपिंग कर रहा था और एक बार यहाँ पे फ्लिक किया वो जंप रोप से, सीधा जो गर्ल कर रहा था बस उसके पास जाके मेरा एयरपॉड्स धड़ाम चल शॉप दे दो। तो वो मुझे जीजा जी ने पहले बताया था कि जा सकता है तेल लेने जिम में, तो उस वक्त डर के कारण उन्होंने ठीक है एक बार पे कर दो, किसी तरह हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। 27,000 का तो नहीं देना पड़ेगा ना, 2500 चलेगा। तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए, अगर आप इतना पे कर रहे हो तो 2500 बनता है। और बात रही है सनग्लासेस की, तो आई विल रिव्यू दिस, मैं देखूंगा कैसा। बाप रे, अच्छा है, मतलब क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। मुझे कंफर्ट वगैरह सब कुछ देखना है कि कैसा है कैसा नहीं। मैं सन में डायरेक्टली देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था, थोड़ा सा अंदर दिख रहा था, लेकिन ठीक है वो उतना ज़्यादा लाइट होगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन अभी तो एकदम बढ़िया है, सब सही चल। सो मैं थोड़ा यूज़ करूँगा 1 or 2, देन आई रिकमेंड यू शुड बाय डॉर्ना। मम्मी मेरा सनग्लासेस देख के बोलती है, एक तो मुझे भी दे देना जब मैं बाहर निकलूँगी तो धूप में पहन के निकलूँगी। हेडफोन्स का काम हो गया, तो अब जो है मैं इंपॉर्टेंट जो एक काम कर रहा था वो कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बिना वो नहीं कर सकता था। आज नहीं बताऊँगा, कल बताऊँगा क्या है, पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है, भले ही मैं उसमें सफल नहीं हो पाया हूँ, समझ ही गए होंगे शायद।